अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, कहीं तुम निगाहें चुरा तो न लोगे। अगर बढ़ गई है बेताबियां, कहीं तुम ये दामन छुड़ा तो न लोगे। पास इसके अलावा कुछ काम भी तो नहीं है, अगर इसको छोड़ दिया तो फिर क्या करूंगा। राम राम, मैं सुदेश थे, देख रहे हो झलको बीकानेर। यदि नया हो तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर तो थाने करनो ही करनो है। सागे सागे थाने बता दिया गांववारी समस्या बात समस्या तो उठाई रहा हाँ। आज अपा बीकानेर बीच वाल इंडस्ट्रियल एरियो है बैठे बैठे अठे माने जद पतो चलियो कि एक बहुत ही शानदार टैलेंट है और शायद अपने इंडियन आइडल जो मंच है भी मंच पर जाने रो वाकई में काबिलियत और आप रो जो जिद्दोजहद है बारक है। लेकिन पारिवारिक स्थितियाँ हैं वे ठीक को नहीं, पारिवारिक स्थितियाँ हैं वे बहुत ज़्यादा कमजोर है और इसे ही टैलेंट ने मैं निकाल बारे ले रहा रहा। बीकानेर के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है कि बीकानेर में आपने ईसा ईसा हीरा ईसा ईसा कोहिनूर बेटा है कि आप री आवाज रे माध्यम पूरी दुनिया ने मंत्र मुग्ध कर देवे। तो आंसू पर बात करांगा, बहुत अच्छा है आपका चैनल और मैं चाहता हूँ ग्रोथ करे और झलकी मारवाड़ी बिल्कुल बिल्कुल जितने भी मेरे भाई दोस्त देख रहे हैं जरूर सपोर्ट करें। और आ गाना जी की शुरुआत है आ कदू हुई और कठू हुई? लगभग 12 साल की एज से मैं गाता हूँ बजाता हूँ और सिंगिंग से पहले मैंने लिखना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद कंपोजिशन, फिर उसके बाद सिंगिंग में आया मैं। अच्छा, हाँ अच्छा, लास्ट में सिंगिंग में। मतलब बीकानेर में रह रहे और बीकानेरी भाषा को नहीं आ रही वो थोड़ा सा? ये ऐसा है कि बचपन से हम लोग दिल्ली रहे हैं। हाँ। पढ़ाई वगैरह मेरी 9th-10th तक वहीं हुई है। अच्छा, मतलब दिल्ली और हमारा हेड ऑफिस भी दिल्ली है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर 11th-12th मैंने बीकानेर से किया, फिर हम लोग यहाँ सब शिफ्ट हो गए फिर, तो इसलिए थोड़ा लैंग्वेज का लैंग्वेज समस्या है थोड़ी सी, लेकिन थे समझ पाओ खूब समझ लेता हूँ। वैसे तो समझ पूरा लेता हूँ और बोलता नहीं हूँ, ट्राई नहीं करता तो वो फिर हैबिट में भी नहीं है। मतलब थारो एक एटीट्यूड है वो बहुत शानदार है एटीट्यूड। और दिल्ली में किसी जगह रहता थे? दिल्ली के पास में मेरठ है, वहीं रहते थे शास्त्री नगर में। तो दिल्ली में सफर किया हूँ किया मतलब बैठे पढ़ाई वगैरह वहाँ पे? ऐसे अगर रोजमर्रा की जिंदगी देखी जाए तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल है क्योंकि वहाँ किसी को कोई किसी से मतलब नहीं होता। और राजस्थान में देखा जाए तो हर कोई मिलनसार है, हर कोई एक दूसरे की मदद करने वाला, चाहे वो अनजान हो चाहे जानकार हो, कोई हो कैसा ही हो, बहुत ही अच्छा बिहेवियर है यहाँ हर किसी का, बच्चे से लेकर बड़े बूढ़ों तक का, सबका आशीर्वाद मिलता है। वहाँ ऐसा देखने को नहीं मिलता। स्टेज प्रोग्राम करे आजू पहला? स्टेज प्रोग्राम मैं अभी जयपुर में डिप्लोमा कर रहा हूँ म्यूजिक से ही, और 3rd ईयर है अभी, मैंने कुछ ही दिन पहले मेरा रिजल्ट आया, 1st डिवीजन से मैंने पास किया। और वहीं स्कूल में म्यूजिक भी सिखाता था और नाइट प्रोग्राम होते थे मेरे सैटरडे संडे एक रेस्टोरेंट में। बिल्कुल। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मैं हूँ और मेरे 3 भाई हैं। अच्छा। और मम्मी पापा हैं। अच्छा अच्छा। मतलब एक लाइफ है जो कि आप अगर बात करें संगीतकार गायककार, मतलब मोटा नाम है लेकिन वे बिल्कुल एक छोटो सा नाम हूँ एक मोटो नाम बने। और पिछले बार सुर्खिया में रानू मंडल रो नाम थे सुनियो से, है ना? हाँ। हिमेश रेशमिया साहब है जगह बने, मतलब फर्शों उठा रहा अर्श पर रख दिए, तो उनमें टैलेंट था। हाँ। और देखा जाए तो म्यूजिक पेशेंस मांगता है। हाँ। सब्र मांगता है। हाँ। वो चाहती तो अपने हालात के आगे म्यूजिक छोड़ सकती थी। हाँ। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, भले ही वो चाहे भीख मांगती थी या कुछ भी करती थी, लेकिन म्यूजिक उन्होंने नहीं छोड़ा और म्यूजिक ने ही उन्हें वहां तक पहुंचाया। अगर वो सिंगिंग छोड़ देती तो आज भी शायद भीख ही मांग रही होती। तो आज मतलब इतनी स्ट्रगल जिंदगी है और थे फैक्ट्री में काम भी कर रहे हो मान पतो चलो है, तो फिर भी मतलब म्यूजिक को मतलब इतना प्यार, क्योंकि म्यूजिक भगवान है। मेरे लिए तो है। हाँ। मेरे लिए तो है। हाँ। और क्योंकि मेरे गुरुजी हैं रफीक सागर जी, उन्होंने कहा था कि बेटा वक्त चाहे कैसा ही हो वो तो चेंज हो ही जाएगा, खैर मेहनत करते रहो, बस उन्हीं के दिशा निर्देश पे चलता हूँ। शौक कदों लगा? शौक ये 10-12 साल की एज से। अच्छा। हाँ, तब से मम्मी गाती थी। हाँ। उनको देख देख के इंस्पिरेशन मिली पहले। हुँ। और फिर वही बस। अच्छा। और सारा भाई वगैरह भी गाने लगे? हाँ, मेरे दोनों भाई भी गाते हैं और मेरा छोटा भाई है सबसे, इसको बहुत ज़्यादा शौक है, मुझसे ज़्यादा शौक है, ये तो फ्लूट वगैरह और मगर लगभग हर इंस्ट्रूमेंट थोड़ा बहुत ट्राई कर लेता है। अच्छा, मतलब फ्लूट बहुत अच्छी बजा ले? फ्लूट बजा लेता है। अच्छा अच्छा। तो
कभी मन में को नहीं आवे कि यार आज की स्थितियां हैं, आज स्थितियां अगर चेंज हो जावे, मतलब यार एक मन में को नहीं आवे कि यार छोड़ो यार, ऐसा आया था कई बार, लेकिन फिर सोचता हूँ कि मेरे पास इसके अलावा कुछ काम भी तो नहीं है, अगर इसको छोड़ दिया तो फिर क्या करूँगा, वही काम करना है, वही पैसे कमाने हैं, उससे तो नहीं होने वाला, लेकिन म्यूज़िक है वो सारी आर्थिक स्थितियां ख़त्म कर सकता है। फीस वगैरह कटूँ अफोर्ड करो इतनी, मैं खुद ही करता हूँ, खुद ही जॉब करता हूँ, खुद ही करता हूँ, और थोड़ी बहुत घर वाले भी हेल्प कर देते हैं, और जहाँ तक मेरी कोशिश होती है 90% मैं खुद ही कर लेता हूँ। अच्छा, हाँ तो मतलब इंस्टीट्यूट जाओ जाते हैं सीखने है। हाँ। बट कहीं मित्र वगैरह कोई मुलाकात हो है? हाँ होती है। हाँ। वो तो मतलब अब इस बार तो लॉकडाउन की वजह से मैं जा नहीं पाया क्योंकि कॉलेज वगैरह भी नहीं खुले, और मैं जब फिर वहाँ जयपुर था, क्लासेस चलती थी तो वहीं शिफ्ट रूम वगैरह रहता था, किराए पे वगैरह रहता था, तो अपना खुद ही अफोर्ड करता था, स्कूल में म्यूजिक सिखाता था और शोज वगैरह करके खुद ही अफोर्ड करके खुद ही। अच्छा, तो आज अगर जनता मौको देगा और थे कमेंट पढ़ लिया कि जनता कहीं कह रही है, तो अगर कोई मौको देगा तो जाओगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल, जरूर की काबिलियत है, थारो जो को इंटरेस्ट है, थारो जो को म्यूजिक है, आज आप बीकानेरी धरती में अठहरे और दिल्ली री आवाज़ आप आगे कैस कहाँ की गुंजा रहे हैं और पूरा राजस्थान में गुंजा रहे हैं, तो लोग तो टच में आवाला और थाने संपर्क भी करेला, और अगर थारू संपर्क करना चाहवा लोग तो मतलब थारो कहीं जिक्र है या कहीं नाम उठान जाना है तो मतलब अगर पहुँचना चाहो। हाँ, मेरा नाम राहुल ऋषिदेव है। एक हटके एक सवाल पूछना चाहूँ मैं, जगह युवा है जगह आत्महत्या रास्तों अपना लिया बहुत जल्द, मतलब थोड़ा सा निराश हो गया, परेशान हो गया, आत्महत्या मतलब सुसाइड अलावा और कोई रास्तों बने मिले कौन, तो मतलब क्या लगा था ना, मतलब बे युवा गलत कर रहे हैं कुछ, सब कुछ होते हुए भी देखा जाए, अगर एक वे से देखा जाए तो गलत है, और क्योंकि वो खुद नहीं मरता, वो खुद तो मर के खत्म हो जाता है, उसकी जो पीछे फैमिली है वो सबको मार देता है क्योंकि वो जिंदा है लेकिन जिंदा नहीं है, वो तो खत्म हो गया, उसने तो लाइफ खत्म कर दी, उसका तो चलो गया जो गया। हाँ। लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कि हमारे पीछे जो फैमिली है। हाँ। वो हमारे बिना कैसे रहेंगे, भले ही वो कितना ही नालायक हो या कभी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया हो, लेकिन बच्चा बच्चा ही होता है। खैर बिल्कुल बिल्कुल, और मम्मी पापा की सपोर्ट रहे, मम्मी पापा की पूरी सपोर्ट रहती है, फुल सपोर्ट रहती है। हाँ। और वो कहते भी हैं तू जो कर रहा है बिल्कुल कर, हमारा पूरा सपोर्ट है, और उन्हीं की वजह से आज मैं हूँ जो भी हूँ। और मोहल्ले में और कोई सपोर्ट? मोहल्ले में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला है विष्णु बंजारा जी का। हाँ। जो हमारे अभी गांव से पेमा सर बीचवाल से उप सरपंच हैं। हाँ। और हमारे सरपंच हैं तोलाराम कुकड़ा जी। हाँ। तो मतलब ए थाने सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ। और मित्रों में एक इयान खान दोस्त है। हाँ। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, और जब मैं स्ट्रगल कर रहा था कुछ टाइम पहले, कई स्टूडियो के चक्कर वगैरह काटता था अपने पोइट्री वगैरह को लेके, तो वो बोलते थे कि यार नहीं वो बात नहीं है, मीटर में नहीं है, मीटर में नहीं है, और ऐसा है वैसा है, मैं कहा ठीक है, मेरे को लगा कि नहीं यार अब मुझे तो किसी से सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो मैंने तोलाराम जी से और विष्णु बंजारी जी से कांटेक्ट किया, इन्होंने बढ़ चढ़ के मुझे सहयोग दिया, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, ठीक है, और आपके सामने है ही, और वो आते ही रिलीज होते ही 12,000 क्रॉस कर गया था व्यू। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कोई ऑफर वगैरह आए होंगे? अभी तक तो नहीं। अच्छा। हाँ, लेकिन अब उम्मीद है कि अब जरूर होगा थारकन कोई ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और इंडियन आइडल पर कभी कोशिश करी? नहीं अभी तक नहीं की, क्योंकि अपने बीकानेर लेवल पर भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, जयपुर लेवल पर तो है, जयपुर में होता है। हाँ। तो लेकिन पता नहीं चल पाता क्योंकि एक तो संसाधन की कमी है और पता नहीं चलता है। हाँ। कि कब हुआ, वो जब टीवी पे आने लगता है तब पता चलता है कि हाँ अब हो रहे हैं। हाँ। तो तब तक तो टाइम ही निकल जाता है। और मम्मी जी खानों क्या पर बना हुआ है? चूल्हे पे, गैस भी नहीं है? नहीं गैस नहीं है, लकड़ी पे बनाती हैं। तो बस यही है, जब लकड़ियाँ बारिश हो जाती है तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लकड़ियाँ भीग जाती हैं फिर आप समझ सकते हैं सिचुएशन क्या होती है। तो कोई इंस्पायर करे गायक? हाँ, सबसे पहले तो इंस्पायर करते हैं मेरे गुरुजी। हाँ। उनका वो अपने स्ट्रगल की उनकी स्टोरी जब भी मतलब याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ। कुमार सानू जी हैं। और कंपोजिशन में हिमेश रेशमिया जी को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। खुद का लिखा हुआ है? नामुमकिन, वो मेरा खुद का लिखा है, मेरा ही कंपोज है। साहिल साहिल सा मैं दरिया दरिया सा तू, लहरों सा छू लूं मैं बन जा किनारा तू, ख्वाबों की कश्ती है जिसका सहारा तू, लहरों सा छू लूं मैं बन जा किनारा तू, यादों के साए काला दे कभी तू दिन, सुन ले दुआ मेरी कहता है मेरा दिल, तेरे बिन अब गुजारा नामुमकिन, नामुमकिन तेरे बिन अब गुजारा नामुमकिन,
तेरे बिन अब गुजारा नामुमकिन नामुमकिन तेरे बिन। बहुत बढ़िया। तो एक मैं एक मुखड़ो देवा था ने और सारी जनता ने कहना चाहूँ कि मैं एक मुखड़ो लिखो है और अभी मेरे को मुखड़ो पड़ो है लिखड़ो अने मुखड़ो देऊँ मैं तुरंत है जो भी मैं मुखड़ो लिखो कुछ देर पहला। तो वो मुखड़ो है थारे और थाने वो लाइव अभी सजेस्ट करना इन्हें भी थे किया गाओ इन्हें किया कंपोज करो और किया संगीत देव इन्हें। तो वो मुखड़ो है तो सारा ने बता दूँ मैं कि मैं मुखड़ो जो है कि जा रहा है ये कल पास आ रहा ये पल मच रही हलचल पल पल दीवाने हुए पल पल। तो वो जो को दियो है छोटी मोटी लाइना दी है मैं तो इन थाने कंपोज करनो और इन थाने गानो है ट्राई करता हूँ। हाँ जा रहा है ये कल पास आ रहा ये पल मच रही है हलचल पल दीवाने हुए। लाइफ में आगे कटे तक जाने का विचार है? लाइफ में यही सोच रहा हूँ सोचता हूँ कि बस म्यूजिक में कुछ करूँ और सबसे पहले तो अपनी आर्थिक स्थिति सही करूँ और माँ बाप का नाम रोशन करूँ। और बीकानेर टैलेंट दुनिया रे सामने लावा यूं मोटो काम है जो को झलको बीकानेर रे लिया और कहीं उसके। तो बहुत बढ़िया काम लगे है आज यहाँ कौन कहूँ कि थाने वाकई में अच्छो लगे है मन उम्मीद है कि थाने लगे ही लगे है अच्छो ये तो जबरदस्त काम। और सागे सागे थाने बता दूं कि एक स्थितियां एक कंडीशन ने तोड़ जको आदमी एक बहुत ऊंचो नाम करे बी आदमी रे रगा में जको खूनरी जगह म्यूजिक बसेड़ो है और म्यूजिक जको लगाव करे भी आदमी करने आज में आएगा। तो क्या कार्यक्रम में लगे थे कमेंट कर जरूर बताए और आने अगर कोई रास्ता बता पाओ इंडियन आइडल हो या और कोई प्लेटफॉर्म तो भी थे कमेंट कर राय जरूर बताए एक कमेंट थारी पड़ेला। तो सागे सागे एक और बात बताना चाहूँ आसे पासे थारे इसे कोई टैलेंट है जो को छुपेड़ो है तो अब ग्राउंड पर धरातल पर झलको बीकानेर उतर चुके है इसे टैलेंट ने निकालने वास्ते तो मान बताओ मैं बिल्कुल बैठे आसा और बांसू राफ्तो करांगा। उम्मीद करूँ कार्यक्रम पसंद आया है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिया। जय हिंद जय राजस्थान जय भी करना।